दिस इज फॉर 1.99, तो मतलब ये 150 रुपए के लगभग 3 स्लाइसेस है। यहाँ पे MRP का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस इज अगेन अ लिटिल कॉस्टली, ये ऑलमोस्ट $3 का है। लेट्स स्टार्ट विद अंडा। तो ये वाले अंडे यहाँ पे 12 मैंने लिए, दिस इज अराउंड $3.19। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल? मेरा नाम है रितु। बिफोर आई स्टार्ट दिस व्लॉग, आई वांट टू से थैंक यू टू ईच एंड ऑफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिग 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 थैंक यू, एंड टू द पीपल हु वाचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब, इट्स फ्री। एज ऑफ नाउ टुडे आई एम बैक विद वन मोर व्लॉग। आज है थर्सडे, 4:30 बज रहे हैं और मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग। कहते हैं कि US में हर चीज बहुत महंगी होती है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी महंगी होती है, अगर आपको वो जानना है यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस व्लॉग। बहुत सारी चीजें हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे, आलू, प्याज, कैप्सिकम, जितने भी फ्रूट्स हैं, अंडा, ब्रेड, जो भी बेसिक एसेंशियल हैं, जो हम चीजें रोज लाइफ में खरीदते हैं ना, उनका एग्जैक्टली प्राइस क्या है, मतलब महंगा या सस्ता, वो तो आप डिसाइड करना, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्रॉसरी स्टोर में US में क्या सामान मिलता है, कितना महंगा होता है और कैसा वहां पे माहौल होता है। लेट्स रोल। अच्छा चलो, वी हैव रीच, वी आर इनसाइड और यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद अ वैरायटी। पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एप्पल अगर आप लेने जाओगे ना, तो आपको कितनी वैरायटी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टेक अ ब्रेक, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दिस इज़ नॉट जस्ट विद एप्पल्स, हर चीज़ की आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आप कौन सा लो। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली वट वर्क्स फॉर योर पॉकेट एंड वट वर्क्स फॉर योर टेस्ट, तो वो बैलेंस बिठा लेना। ओके, सो दिस इज़ एप्पल फॉर $179, यहाँ पे दिस इज़ फॉर $169, $2 मतलब अराउंड 150-200 रुपये, दिस इज़ लाइक रियली प्रीमियम, तो ये ऑलमोस्ट $6 के, $6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एप्पल्स इज फॉर $6। दिस इज वाटरमेलन, ये वाला वाटरमेलन इज अराउंड 799, मतलब अराउंड 500 रुपये, तो एक वाटरमेलन अराउंड 500 का है। अभी आप खुद जज करो कि सस्ता है या महंगा है, बट दिस इज द बेसिक प्राइस यहाँ पे। लेट्स जस्ट गो अहेड और बाकी चीज़ों के रेट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ जिसके बिना इंडियन खाना नहीं बन पाता, वो है आलू और प्याज। तो यहाँ पे जो अनियन है वो ऑलमोस्ट हर जगह वाइट अनियन या फिर इस तरीके का अनियन मिलेगा, रेड अनियन इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। दिस इज़ फॉर 1.29, अगेन ये ऑलमोस्ट आधा किलो होगा, 450 ग्राम, विच इज़ अराउंड 100 रुपये। अगर मैं बात करूँ आलू की, तो आलू का ऐसे पैकेट यू कैन बाय, इसमें लिखा भी है शायद, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है केजीज में, 2.27 kgs, $3.49 का। अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम अनियन लेना है तो यहाँ पे वैरायटी होती है, तो ये 4.99 का है। दिस लुक्स मोर रिफाइंड एंड फाइन, ये काफ़ी ज़्यादा फाइन और अच्छा लग रहा है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टमेटोज, यहाँ पे भी अगेन वैरायटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तरीके की वैरायटी मिलेगी आपको। ये जो सबसे छोटू वाले होते हैं ना, ये आप यू नो पिज्ज़ा में या इस सब चीज़ों में डाल सकते हो। दिस इज़ फॉर 599, विच इज़ अराउंड 450-500 रुपये का, इतना पैकेट मिलेगा, ये छोटा पैकेट। अगर आपको जो घर में यूजुअली हम खाते हैं वो कुछ लेना है, सो दिस इज़ फॉर अराउंड $2, ये आपको $2 का मिलेगा। दिस इज़ फॉर $1.29, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दीज आर मुशी टमेटोज, ये थोड़े से एक्सपेंसिव है। दिस इज़ फॉर $4, तो ओके, सो दीज आर द ग्रेप्स, यहाँ पे रेड कलर के ग्रेप्स हैं और ग्रीन कलर के हैं। दिस इज़ अराउंड 2.99 पर पाउंड है, एक पाउंड मतलब 450 ग्राम। अच्छा, ये वाली वैरायटी तो इंडिया में मिलती है, दिस इज़ रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और एक और ऑरेंज हल्का सा डिफरेंट कलर का, तो ये सारे के सारे बेल पेपर है, कैप्सिकम नहीं बोलते यहाँ पे, मैंने अभी यहाँ पे आके रियलाइज किया। तो दिस इज़ फॉर अराउंड $3, दिस इज़ 10 for 10, दिस इज़ अराउंड 1.99, दिस इज़ अगेन 1.99 एंड दैट इज़ अगेन 3.49। अच्छा, अगर आप बिजी हो और आपको मेहनत नहीं करनी ना, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड मिलेगा कट वेजिटेबल्स का, जैसे आपको छोटे छोटे यहाँ पे यू कैन सी वाटरमेलन के स्लाइसेस मिलेंगे। दिस इज़ फॉर 1.99, तो मतलब ये 150 रुपये के लगभग 3 स्लाइसेस हैं। और अगर आपको पाइनएप्पल लेना है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर 1.99। अगर आपको कुछ ऐसा बड़ा खरीदना है, दिस इज़ फॉर 2.99।
लेट्स गो अहेड एंड सी अदर थिंग्स. यहाँ पे बहुत सारा ट्रेंड है कट वेजिटेबल्स का. दिस इज चॉप्ड कैप्सिकम, बेल पेपर, दिस इज अनियन अगेन फॉर $2.99. मतलब ये है अराउंड 200 रुपए के आसपास का. दिस मच वही अनियन के डिफरेंट वेराइटीज है. दिस इज अगेन अ लिटिल कॉस्टली, ये ऑलमोस्ट $3 का है. एंड अगर आपको मिक्स ऐसे ये कुछ भी ऐसा कुछ खरीदना है, सो इट हैज कैप्सिकम, टमेटो, अगेन वन मोर कैप्सिकम एंड अनियन. दिस इज फॉर अराउंड $4.79. अच्छा, यूएस की एक स्पेशल बात, यहाँ पे हर चीज़ महंगी नहीं मिलती. जो भी चीज़ आपको फैटी करी है ना, वो चीज़ सस्ती होती है. अगर मैं बात करूँ चिप्स की, अगर मैं बात करूँ कोल्ड ड्रिंक की, तो ये चीज़ें बाकी यूजुअल चीज़ें से सस्ती होती है. आई मीन आपको थोड़ी सी महंगी लगेगी, बट अगर मैं आपको यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊँ, थोड़ी सी सस्ती होती है, कुछ महंगी नहीं होती. सो दिस इज अराउंड $4. इतना बड़ा पैकेट है, दिस इज फॉर $4. यहाँ पे बड़े ही पैकेट मिलते हैं, मतलब आई हैवंट सीन द स्मॉल 10 रुपए वाला टाइप का पैकेट. तो हर चीज़ फैमिली पैक टाइप मिलेगा. जैसे दिस इज द साइज, दिस इज फॉर $4.29, और ये काफ़ी बड़ा है. और यहाँ पे ना इसके साथ साथ आपको डिप्स भी खरीद सकते हैं आप, अगर आपको कुछ ऐसा खरीदना. दिस इज फॉर $4.29. तो अगर आप पार्टी कर रहे हो घर पे, तो आप साथ में डिप्स खरीद सकते हो. वेराइटी बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब टूवर्ड्स द एंड से लेके यहाँ तक. यहाँ पे इंडिया वाले फ्लेवर नहीं मिलते, मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट मसाला, मसाला वो जो ब्लू कलर का होता है, दैट इज़ वन मोर आई लाइक, हनी नहीं, चिली लेमन, वो भी यहाँ पे नहीं मिलता लेस के. यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लेवर मिलते हैं. सो दिस इज़ हनी बारबेक्यू, सम फैंसी यूएस स्टफ, देयर इज़ वन पिकल लेस भी आ गया है. दिस इज़ फॉर $4.49, मतलब अराउंड 400 रुपये. तो काफ़ी बड़ा पैकेट होता है यार ये, मतलब इट्स लाइक अ बिग पैकेट. मतलब इफ़ यू ना कन्वर्टेड विद रुपीज़ तो आपको महंगा लगेगा, बट इंडिविजुअली इफ़ यू सी बाकी लोगों की बाकी चीज़ों के हिसाब से प्राइस, तो काफ़ी सस्ता है. अच्छा, एक और चीज़ अगर आपको नहीं पता, तो यहाँ पे यूएस में एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता. उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि कोई भी गुड, जैसे मान लो कोक है, वो इंडिया में अगर उसमें कोई एमआरपी है 20 रुपए की है, तो वो अक्रॉस इंडिया हमेशा 20 रुपए की मिलेगी. यहाँ पे एमआरपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. मतलब इसलिए एक सब्जी की, जैसे सब्जी होती है ना हर जगह अलग अलग प्राइस, वही चीज़ है. तो यहाँ पे जो भी आप कोई भी सामान उठाओगे ना, तो यहाँ पे एमआरपी उसका हर एक शॉप में वैरी करेगा. जैसे कि कोक, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट $2.29 की है, विच इज़ अराउंड 200 रुपये 150 रुपये, विच इज़ चीप अगेन. तो ये वाली चीज़ आपको क्या पता एग्जैक्टली, जैसे यहाँ पे $2.29 लिखा है, ये चीज़ आपको $1.50 की भी मिल सकती है, $1 की मिल सकती है, और आपको यही चीज़ $5 की भी मिल सकती है. तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं. अगर आप थोड़े फैंसी लोकेशन पे रहते हो, जहाँ पे डाउनटाउन के आसपास रहते हो या न्यूयॉर्क के आसपास रहते हो, तो चीज़ें का प्राइस ऊपर रहेगा. और अगर आप नॉर्मली कहीं मिडवेस्ट में रहते हो, तो वहाँ पे चीज़ें यूजुअली सस्ती होती है. Like I said before, मोटापे का सामान थोड़ा सस्ता होता है. दिस इज़ फॉर $2.29, ये कोक और $2.29. तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीप होती हैं मोटापे की. दिस इज़ फॉर $5.59. और जो छोटा वाला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना पैक्स खरीदते हैं लोग, तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 8 का पैक है. दिस इज़ फॉर $7.29. तो मतलब इसमें आपको 8 कोक मिलेगी. वेराइटी तो मतलब आई मीन दैट्स अनसेड रूल, वो तो मिलेगा ही आपको. जैसे वो $2.29, तो मतलब आपको एक स्प्राइट का इतना बड़ा पैकेट अराउंड 150 में मिलेगा, विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी गेट इन इंडिया. तो इंडिया के प्राइस पे आपको यहाँ पे ऐसे कोक और ये सब तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे ही हो जाता है. अच्छा, नाउ आई एम इन ब्रेड सेक्शन अगेन, लुक एट द वेराइटी. लेट्स स्टार्ट विद पोटेटो रोल्स. यहाँ पे ये वाले रोल्स अराउंड $3.79 के मिलते हैं. अगर आपको ब्रेड की बात करूँ, तो अगर आपको होल ग्रेन, सॉरी मल्टी ग्रेन ब्रेड खरीदनी है, तो ये वाली ब्रेड इज अराउंड $4.69. अगर आपको यू नो वाइट ब्रेड खरीदनी है, तो थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी. दिस इज़ फॉर $3.99 ये वाला पैकेट. लाइफ में अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. अगर आपको प्रोटीन चाहिए, तो 3 चीज़ों सबसे ज़्यादा मिल सकता है, वो है दूध, दही और अंडा. लेट्स स्टार्ट विद अंडा. तो ये वाले अंडे यहाँ पे 12 मैंने लिए, दिस इज़ अराउंड $3.19. 12 अंडे $3.19 के, मतलब इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल. और वेराइटी फिर लाइक आई सेड बिफोर बहुत सारी है. तो जो अंडे का प्राइस है, वो स्टार्ट हो जाता है अराउंड 1.79 से. तो ये वाला 1.79 का है 12. और यहाँ पे अगर आपको अच्छा वाला लेना है, दिस इज़ फॉर केज फ्री एग्स $4.69. तो मतलब अराउंड 400 रुपये के 12 अंडे. लेट्स सी एंड सी मिल्क का क्या प्राइस है. व्हेन इट कम्स टू मिल्क, यहाँ पे भी अगेन वेराइटी. अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे मिल्क हम लोग कौन सा लेते हैं ना, हम लोग लेते हैं होल मिल्क, ये वाला नीचे. दिस इज़ $4.79, विच इज़ अगेन 400 रुपये. तो मतलब अगर आप कन्वर्ट करोगे, तो मिल्क
आपको इतना ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। अगेन यहाँ पे फिर से बहुत सारी वैरायटी, अगर आपको टेट्रा पैक टाइप कुछ चाहिए तो दिस इज फॉर $5.39। तो यहाँ पे दही नहीं होती, यहाँ पे योगर्ट होता है, तो योगर्ट इज अराउंड दिस मच $6.99, मतलब अराउंड ₹500 का इतना। तो जो छोटा डब्बा होता है उसको थोड़ा सा बड़ा, मीडियम साइज का डब्बा अराउंड आपको ₹500 के आसपास का पड़ेगा। अगेन दिस इज वैरायटी बहुत सारी मिलेगी आपको। छोटू खरीदना है तो इतना छोटा डब्बा, दिस इज फॉर $4.49, मतलब अराउंड ₹300 के आसपास का आपको इतना दही पड़ेगा। अच्छा, दिस इज माई टाइम टू से गुड बाई टू ऑल ऑफ यू। मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सी चीज महंगी लगी या कौन सी चीज सस्ती लगी। ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं नई नई आई थी, आई यूज टू कन्वर्ट, कोई भी चीज $15 से $20 से ज्यादा महंगी होती थी तो आई यूज टू कन्वर्ट एंड देन आई यूज टू थिंक कि सस्ता है या महंगा है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन देखी, अगर आपने कुछ वैल्यूबल कॉन्टेंट देखा, तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग, कॉमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि फ्री है, कर दो ना यार।